बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। मैं आमिर मामू और मैं झुकेगा नहीं साला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, मैं आमिर अंसारी, आप सभी लोगों का आमिर मामू एके आमिर खान के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई, क्या पता हम में है कहानी या है कहानी में हम। मैन हु मेड क्रिसमस द सेकेंड नेम ऑफ आमिर खान, अ मैन हु ब्रोक इन टू द 100, द 200, 300 करोड़ क्लब, अ मैन हु गेव इंडिया द 300 करोड़ क्लब, द बॉक्स ऑफिस रूलर हु स्टिल रूल्स द हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, एके 383 करोड़ प्लस, आमिर मामू दंगल हैज कम बैक मेरा भाई। एंड आमिर मामू विल बी लाइक, मैं झुकेगा नहीं साला, बैसाखी पे आएगा मैं कैसे भी। वेल फ्रेंड्स, आमिर मामू का नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? आमिर मामू फ्लावर नहीं, फायर है। वेल फ्रेंड्स, देखिए, बेवकूफी एंड ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ही गहरा धागा रहता है। एंड गाइस, अब ये आमिर मामू ने बेवकूफी की है या फिर समझदारी की है, ये तो 14 अप्रैल को फिल्म देखने का पता चलेगा। क्योंकि गाइस, अब सभी लोगों को पता है कि पिछले एक दो हफ्तों से बहुत ही भारी मात्राओं में रूमर आ रहा था कि आमिर खान लाल सिंह चड्ढा को पोस्टपोन कर रहे हैं। कोई कह रहा था कि दिवाली जा रही है, कोई कह रहा था कि अगस्त जा रही है। इसलिए मैंने इस पर कोई वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि टीम की तरफ से तो कोई ऑफिशियल खबर आई नहीं थी, सब अपनी हवाबाजी कर रहे थे, इसलिए इस पर वीडियो बनाना बेकार था। एंड गाइस, अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है आमिर खान की टीम तक गई, एंड आमिर खान की टीम ने अब ऑफिशियली ये सारे के सारे रूमर्स जो है इन पे एक फुल स्टॉप लगा दिया। आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर, आमिर खान ट्विटर पर नहीं है, ही इज लेफ्ट सोशल मीडिया। क्योंकि गाइस, कुछ लोगों के लिए यू नो पीस ऑफ माइंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। एंड आमिर खान अभी इतना इंग्रॉस से लाल सिंह चड्ढा उन्हें देख रहे हैं, किस तरह से आमिर मामू अभी हाल ही में ही फिल्म की डबिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आमिर खान प्रोडक्शंस को आप सभी लोग जाकर फॉलो कर लीजिए ट्विटर पर, ओके, AKPPL_official, ये आमिर मामू का रियल हैंडल है। यहाँ पे आमिर खान आप सभी लोगों से आने वाले समय में बहुत सारे अपडेट्स शेयर करेंगे। लेकिन खबर ये है कि आमिर खान ने ऑफिशियली अपने टीम द्वारा मैसेज भेजा है, आमिर खान प्रोडक्शंस लाल सिंह चड्ढा रिलीज डेट इज बैसाखी 14 अप्रैल 2022, कॉन्ट्रेरी टू सम मिसलीडिंग स्टोरीज। तो ऐसी कोई भी खबर नहीं है, कोई भी अफवाह पे आप विश्वास मत कीजिए, लाल सिंह चड्ढा पोस्टपोन नहीं हो रही है। वी वांस अगेन वुड लाइक टू थैंक एवरीवन हु हैज सपोर्टेड अस इन दिस जर्नी। देखिए, अगर कोविड नहीं हुआ, अगर नया वेव नहीं आया, कोई नया वेरिएंट नहीं आया, तब जाकर ये डिले होगा। अगर ऐसा नहीं होता देन ये फिल्म डेफिनेटली आने वाली है। डर होना चाहिए, दिल में होना चाहिए, लेकिन वो दिल अपन का नहीं, सामने वाले का होना चाहिए। इफ यू थिंक यू आर बैड, आई एम योर डैड। वेल फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रॉकिंग स्टार यश की फिल्म KGF द्वितीय यानी KGF चैप्टर 2 के बारे में। सो आमिर मामू ने ऐलान कर दिया है कि मैं आ रहा हूँ 14 अप्रैल को। लेकिन गाइज, यहाँ पर KGF चैप्टर 2 भी नहीं झुकेगा साला, क्योंकि गाइज उन्होंने तो यश के बर्थडे के दिन ही ये ऐलान कर दिया था कि 14 अप्रैल को यहाँ पर कॉशन डेंजर अहेड, ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮವಾಗಿ, ಕತ್ರ ಇದೆ, ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ ಮುಂದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾ? ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಬ್ ಯೇ ಓಪನ್ ಮೇ ಹೋ ಚುಕಾ ಹೈ ಕಿ ಕೋಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗೆ ಪೀಚೆ ನಹೀ ಹೋನೆ ವಾಲಿ ಹೈ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಕಾ ಜೋ ದಿನ್ ಹೈ, ಅಗರ್ ಸಬ್ ಕುಚ್ ಸಮಾನತಾ ಪರ ರಹಾ, ಯಾನಿ ಕಿ ಭೈ, ಅರೆ ಭೈಯಾ, ವೋ ಸಮಾನತಾ ನಹೀ ಭೈ, ಸಮಾನತಾ ಮತಲಬ್ ಜಬ್ ಸಬ್ ಕುಚ ನಾರ್ಮಲ್ ರಹಾ, तो यह इस KGF चैप्टर 2 और आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा क्लैश होने वाली है। ऑल सेड एंड डन, हमने इस पर बहुत बातचीत कर ली है कि आमिर खान ने सही डिसीजन लिया नहीं लिया, क्या उनको आना है नहीं आना है। वो एक बहुत समझदार व्यक्ति है, उन्होंने अपने से ज्यादा दुनिया देखी है। अगर उनको फिर भी एहसास हो रहा है कि वो KGF के साथ क्लैश होंगे, उनकी फिल्म है, उनका पैसा लगा है, ही हैज द बॉल इन हिज कोर्ट, लेट्स सी आगे क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल लाल सिंह चड्ढा 14 अप्रैल एंड द क्लैश विद
केजीएफ चैप्टर 2 इज कंफर्म्ड ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम आमिर मामू कि वो आ रहे हैं एंड यश भी आ रहा है। मे द बेस्ट फिल्म विन, मैं तो दोनों फिल्में देखूंगा, दोनों फिल्मों का रिव्यू दूंगा। फॉर मी इट्स अ विन विन सिचुएशन, हम दोनों फिल्में देखेंगे, दोनों फिल्मों को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अंत में जो अच्छी फिल्म होगी वो जीतेगी। स्टे कूल मैन।